आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। ओके क्वेश्चन है, NH4HS सॉलिड गोज टू NH3 गैशियस प्लस H2S गैशियस एंड बोला गया है द इक्विलिब्रियम प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.66 atm. What is the Kp for the reaction? Option are 0.109, 0.218, 1.89 and last at 2.18. So, देखिए इस reaction को पहले हम लिखते हैं यहाँ पे NH4HS gives ammonia NH2S. ठीक है, तो initially हम मानते हैं time t equals to 0 पर हमारे पास NH4HS के A moles थे and जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे निल होंगे। ठीक है, एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे सपोज यहाँ से एक्स मोल डिसोशिएट हुए, तो अगर एक्स मोल यहाँ डिसोशिएट होंगे तो यहाँ पे एक्स मोल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, बिकॉज फॉर वन मोल NH4HS वी गेट वन मोल NH3 एंड H2S, तो हमारे पास एक्स एक्स मोल आ गए दोनों गैस के। ठीक है, अब अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर की, ठीक है, तो देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है मेरा, इट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, टोटल प्रेशर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर पी टी है। ठीक है, ये मेरा पार्शियल प्रेशर होता है। एंड अगर आप इक्विलिब्रियम पे देखें तो हमें जो मोल्स कंसिडर करने हैं वो सिर्फ अमोनिया एंड एच टू एस के करने हैं, बिकॉज ये मेरी गैशियस स्टेट में है। एन एच फोर एच एस के मोल्स जो कि ए माइनस एक्स है ये हमें कंसिडर नहीं करने हैं, बिकॉज जो हमारा कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है हम उसका कंसनट्रेशन कॉन्स्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं के पी में से, तो हम यहाँ पे इसके मोल्स कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल मोल्स जो हमारे पास हो गए, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इट इज 2x। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की, तो वो हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 विच इज x। ठीक है, इक्विलिब्रियम में बात हो रही है एंड टोटल मोल इज 2x, तो 1/2 आ गया इसका मोल फ्रैक्शन। एंड जो टोटल प्रेशर है वो हमें गिवन है कितना, 0.66, तो 0.66 तो ये हो जाएगा 0.33 के बराबर। एंड सेम फॉर H2S, इसके लिए भी x मोल है एंड 2x डिवाइड करेंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा हाफ, टोटल प्रेशर सेम है तो इसके लिए भी 0.33 हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो जो kp होगा, kp वुड भी, अभी हमने बात करी पार्शियल प्रेशर NH4HS का, हमें कंसिडर नहीं करना है kp के टर्म में, तो इट विल बी ओनली पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, सो दिस विल बी 0.33 × 0.33। ठीक है, तो ये अगर आप सॉल्व करें यहाँ से मेरे को के पी मिल जाएगा, दैट विल बी 0.109। ठीक है, एंड ए ऑप्शन इज करेक्ट।